नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे वार ऑफ लंका बुक के भाग 4 का अध्याय 20 को। अगर आपने इस वीडियो का पहला हिस्सा नहीं देखा तो जल्दी से चैनल का प्लेलिस्ट में जाएं और उस हिस्से को पूरा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। गुरुजी, मतिकिया ने आश्चर्य से सवाल किया। विश्वामित्र ने अपना गुस्सा दबा लिया। यह बेवकूफ सोचता है कि समस्या को सुलझाने के लिए उसकी समझ महत्वपूर्ण है। वह सोचता है कि वह मेरे द्वारा खुद बनाई गई योजना को बेहतर बना सकता है। मूर्ख। विश्वामित्र मतिकया से अरिष्टनेमी को पसंद करते थे। अरिष्टनेमी इतना बुद्धिमान था कि वह जानता था कि कब सवाल नहीं पूछना चाहिए। मतिकया लगातार अधिक जानकारी के भूखा रहता था। विश्वामित्र कुछ महीनों से योजना बना रहे थे। गुप्त कोड में संवाद, चिड़िया संदेशवाहकों के माध्यम से, लेकिन अब उन्हें कुछ भेजना था। एक बड़ा डिब्बा, लगभग एक संदूक, जिसमें बहुत कीमती सामान था। बहुत कीमती। संदूक में एक हथियार था। जाहिर है इसे कोई चिड़िया नहीं ले जा सकती थी, और इसलिए उन्हें इस मूर्ख मतिकया की जरूरत थी। वह किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था। मतिकया अपने सवाल पूछता रहता, लेकिन वह जानता था कि विश्वामित्र से मिले निर्देशों के बारे में कैसे चुप रहना है। यह दुर्जय गुरु जानता था। बस इसे ले जाओ मतिकया, और इसे देवगिरी आश्रम में छोड़ दो। इसे वहीं से ले जाया जाएगा। लेकिन देवगिरी आश्रम तो छोड़ दिया गया है गुरुजी, वहां कोई नहीं है। मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि मैं कुछ नहीं जानता जो आप भी जानते हैं? क्षमा करें गुरुजी, मतिकया ने कहा, अपने हाथों को क्षमा प्रार्थी नमस्ते में जोड़ते हुए। सरस्वती भारत की सबसे पवित्र नदी थी, इसीलिए इसे तटस्थ भूमि माना जाता था। यह किसी भी राजा के अधीन नहीं था। इसके किनारों पर कोई किला नहीं था। यह स्थान आर्षियों, बुद्धिजीवियों, भिक्षुओं और ज्यादातर मां प्रकृति के लिए ही छोड़ा गया था। हर कोई बिना किसी रोक टोक के इन जमीनों से गुजरता था। सरस्वती के तट पर लड़ाई करना भी बहुत से लोगों द्वारा अधर्म माना जाता था, और चूंकि सरस्वती के किनारे कोई युद्ध नहीं लड़ता था, इसलिए इन जमीनों का सैन्य दृष्टिकोण से सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इसलिए कोई भी देवगिरी के सैन्य महत्व को नहीं समझता था। लगभग कोई नहीं। बस वही करो जो मैं तुमसे करने के लिए कहता हूं, विश्वामित्र ने आदेश दिया। निश्चित रूप से गुरुजी, मतिकया ने कहा सलामी देते हुए। विश्वामित्र ने अपना सिर घुमाया। भव्य परशुरामेश्वर मंदिर की ओर, मलयपुत्र की राजधानी, अगस्त्यकूटम के हृदय की ओर, उनके अस्तित्व का केंद्र। हे भगवान परशुराम, मैं आपसे विनती करता हूं, ययाति और शर्मिष्ठा के वंशज को आशीर्वाद दें। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह सब भारत माता के लिए है। बेशक ययाति और शर्मिष्ठा के वंशज को यह नहीं पता था कि उन्हें बलिदान के रूप में तैयार किया जा रहा है। 6 दिन हो गए थे जब शत्रुघ्न ने पुल बनाना शुरू किया था। उन्हें एक दिन में मन्नार द्वीप को छूने की उम्मीद थी। उसके बाद एक दिन की यात्रा उन्हें केतेश्वरम रोड के रास्ते सिगिरिया पहुंचा देगी। आकाश एक आश्चर्यजनक रूप से चमकीले लाल और एक असामान्य उदास बैंगनी रंग का एक अलौकिक मिश्रण था। शाम ढल रही थी और सूरज क्षितिज में समा रहा था। सूर्य देव, सूर्य ने आकाश के कैनवास पर एक मनमोहक चित्र बनाया था, उन भक्तों के लिए विदाई उपहार जिन्होंने आश्चर्य से ऊपर देखा। जब तक वह उनसे फिर मिलेगा। अगले दिन सुबह वशिष्ठ, राम और शत्रुघ्न पुल के किनारे बैठे हुए खूबसूरत आकाश से मंत्रमुग्ध हो गए। वशिष्ठ ने शत्रुघ्न को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शायद ही मैंने कभी देखा हो कि कोई निर्माण परियोजना बिल्कुल योजना के अनुसार चले। धन्यवाद गुरुजी, शत्रुघ्न ने कहा अपने हाथों को नमस्ते में जोड़ते हुए। क्या आपने मापा है? शत्रुघ्न ने राम को बीच में ही रोक दिया। हाँ दादा, हमने पहले ही 30 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा पुल की लंबाई बना ली है। सिर्फ 5 किलोमीटर और, जिसे हम कल पूरा कर लेंगे, और फिर हम मन्नार द्वीप पर होंगे। सेना परसों पार हो सकती है। राम मुस्कुराया। हम 3 दिन में सिगिरिया में होंगे। भरत और लक्ष्मण, वशिष्ठ ने पूछा। वे आज रात ओंगुयाहरा पहुंच रहे हैं गुरुजी, राम ने कहा। उन्हें सिर्फ 3 और दिनों के लिए लंका की सेना को व्यस्त रखना है। तब तक हम सिगिरिया पहुंच जाएंगे और युद्ध समाप्त हो जाएगा।
मैंने सिगरिया किले की प्रणाली की योजनाओं का अध्ययन किया है दादा, शत्रुघ्न ने कहा। अरिष्ट नेमी जी और हनुमान जी ने इसे मेरे साथ साझा किया। घेराबंदी लंबी और कठिन होगी। ये वास्तव में एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया किला है। मुझे कोई कमजोरी नहीं दिख रही है। हर किले में एक कमजोरी होती है, राम ने कहा। ऐसा लगता है कि यह एक नहीं करता है। हर किले में एक कमजोरी होती है। और क्या आप जानते हैं कि सिगिरिया किले की कमजोरी क्या है? शत्रुघ्न ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, यह कि जब हम पहुंचेंगे तो बचाव करने वाली सेना ओंगुयाहरा में होगी। यही इसकी कमजोरी है। लंका का ग्रामीण इलाका एक अनंत जंगल था। यह जंगल किसी भी जंगल से घना और घना था जिसे अयोध्या वासियों ने कभी देखा था, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत के प्रसिद्ध दंडकारण्य वन भी शामिल थे। लंका हिंद महासागर में एक आंसू के आकार का द्वीप था। पहाड़ियां और पर्वतमालाएं इसके मध्य भाग से उत्तर दक्षिण दिशा में चलती थीं। इस प्रकार स्थित होने के कारण दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मानसून हवाओं ने लंका में भरपूर बारिश की। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश मुख्य भूभाग में 6 ऋतुएं होती थीं, जिनमें से एक मानसून ऋतु होता था। लेकिन लंका में 2 पूर्ण मानसून ऋतुएं थीं, जिनके बीच 2 मानसून विराम ऋतु होते थे, और भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण मानसून विराम अवधि में भी बारिश होती थी। उनका वार्षिक वातावरण सरल था। बारिश, बहुत तेज बारिश, बारिश, असाधारण रूप से भारी बारिश और साल भर गर्मी, यह सब एक असाधारण उपजाऊ भूमि पर बरसता था। घने वर्षा वनों के लिए बिल्कुल सही परिस्थितियां। जंगल इतने घने थे कि चल रहे सैनिकों को नदी के किनारे से जंगलों में 15 से 20 फीट से अधिक दृश्यता नहीं थी। उन्होंने हर समय अपनी ढालें ऊपर रखी। रात में वे जहाजों पर चले जाते थे और जहाज सीधे नदी के बीच में लंगर डालते थे। रफ्तार धीमी थी। अंत में वे दुश्मन के गढ़ के पास पहुंचे। वे अब महावेली गंगा नदी के उत्तरी भाग में बहने वाली धारा से लगभग 2 किलोमीटर नीचे थे। लक्ष्मण सुबह सेना से उतरे थे और उत्तर पूर्वी तट के साथ आगे बढ़ने वाली बटालियनों के साथ चले थे। भरत नहीं चाहते थे कि कोई लंकाई जासूस रात में जहाजों से अयोध्या की एक बटालियन को उतरते हुए देखे। इसलिए उसने फैसला किया था कि पूर्वी तट के कुछ सैनिक सूर्यास्त होने पर बस जंगलों में गायब हो जाएंगे और जल्दी से गुप्त सुरंग में घुस जाएं। भरत एक सावधान सेनापति थे और एक सावधान सेनापति अपने प्रतिद्वंद्वी या उसके जासूसी नेटवर्क को कम नहीं आंकता। सूर्य क्षितिज के निकट था। गोधूली का समय था। अयोध्या के जहाजों को नदी के बीच में लंगर डालने और चल रहे सैनिकों को जहाज पर चढ़ने का समय। भरत ने सुबह के उतरने और शाम को जहाज पर चढ़ने के कार्यों को शांत रखने का कोई प्रयास नहीं किया। वह चाहता था कि लंकावासी यह जाने कि वह सावधान है, सैन्य आंदोलनों के लिए मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। जहाजों पर चढ़ने वाले सैनिकों के शोर के बीच किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कुछ लोग लगभग एक मध्यम आकार की कुलीन विशेष बल की बटालियन अंधेरे में गायब हो गई थी। लक्ष्मण 500 सैनिकों के साथ जल्द ही जंगल के 200 मीटर अंदर जमा हो गए। वे नदी से दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके जूतों को अतिरिक्त चमड़े से ढका गया था ताकि उनके कदमों की आवाज दब जाए। उनके ब्लेड सूती कपड़े में लपेटे हुए थे जो म्यान से टकराते समय स्टील की हल्की खनक को दबा देते थे। जब तलवार निकाली जाती थी तो सूती कपड़ा फट जाएगा। उनकी धोतियां सैन्य शैली में कसी हुई थीं। उनका कवच धातु के बजाय चमड़े से बना था। कम सुरक्षा लेकिन कम शोर भी, ये अयोध्या के विशेष बल थे। मिशन पूरा करना उनकी जान बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। कोई मौखिक आदेश नहीं दिया जाना था, केवल हाथ के संकेत। वे जल्दी से 2-2 की कतार में लग गए। एक की कमर से पीछे वाले की कमर तक एक पतली रस्सी बंधी हुई थी जो पूरी लाइन में चली गई थी। प्रत्येक सैनिक के बगल में एक दोस्त था और वह सचमुच पूरे समूह से बंधा हुआ था, सामने और पीछे के आदमी के माध्यम से। लक्ष्मण ने उस गुप्त रास्ते के मार्कर की पहचान की जो उन्हें गुप्त सुरंग तक ले जाएगा। विभीषण के नक्शे को समझना आसान था। यह एक साधारण सा निशान था, एक फिजीबोना नारियल का पेड़, लंबे पत्तों और पत्रिकाओं के साथ एक बहुत ही सुंदर छोटा नारियल का पेड़, बौना नारियल और तने पर कांस्य रंग के पत्तों के छल्ले के निशान। इस पेड़ का फल ऊंचा नहीं था और बिना चढ़े ही नारियल निकाले जा सकते थे। इसका नाम इसका सच्चा वर्णन करता था।
बौना नारियल का पेड़। लक्ष्मण मुस्कुराया। होशियारी, जाहिर सी बात है, विभीषण इस जगह पर कोई साइन पोस्ट नहीं छोड़ सकता था जिस पर इधर गुप्त सुरंग के लिए लिखा हो। लेकिन एक खाली निशान भी आसानी से संदेह पैदा कर सकता था, क्योंकि जंगल के इस हिस्से में मानव निर्मित निशान होने का कोई कारण नहीं था। निशान को खुलेआम छिपाना सबसे अच्छा था। इस जगह पर पेड़ों की अद्भुत बहुतायत थी, तो फिर क्यों ना पेड़ का ही उपयोग निशान के रूप में किया जाए। लेकिन निशान को अलग दिखाने के लिए यह एक ऐसा पेड़ था जिसे यहां होने का कोई प्राकृतिक कारण नहीं था। फिजी बौना नारियल का पेड़ इस क्षेत्र का मूल नहीं था, और यह ज्यादातर आकस्मिक पर्यवेक्षकों द्वारा चूक जाएगा। केवल इस पेड़ को विशेष रूप से ढूंढने वाला ही इसे ढूंढ पाता। खुलेआम छिपा हुआ। लक्ष्मण ने नक्शा पहले ही याद कर लिया था। उसने दिशा निर्धारित करने के लिए अपना कंपास निकाला, फिर पेड़ को छुआ, ध्यान से ट्रंक के दक्षिण की ओर पकड़ा। फिर वह दाएं मुड़ा और 5 फुट लंबे कदम चला, फिर 3 कदम बाएं और 1 और कदम दाएं। उसने नीचे देखा। उसने अपने जूते में चुभने वाली मिट्टी की ऊपरी परत के नीचे एक नुकीले पत्थर को महसूस किया। नुकीला पत्थर, शुरुआती बिंदु, अन्य पत्थर हल्के से जमीन के नीचे दबे हुए रास्ते को चिन्हित करेंगे। हो सकता है विभीषण एक धूर्त लोमड़ी हो, लेकिन वह एक चालाक धूर्त लोमड़ी है। लक्ष्मण अपने सैनिकों की ओर मुड़ा और अपना दाहिना हाथ उठाया। हथेली खुली और चेहरे के समकोण पर उंगलियां आपस में जुड़ी हुई और आकाश की ओर इशारा करती हुई। और फिर उसने अपनी कलाई को घुमाया। उंगलियां अब पूर्व की ओर इशारा कर रही थीं। एक स्पष्ट हाथ का संकेत, पूर्व की ओर मार्च करें। संकेत जल्दी से लाइन के नीचे रिले कर दिया गया था और बटालियन एक साथ चलना शुरू हुई। एक साथ ताल में। उन्हें एक समूह में बांधने वाली रस्सी और उनके पैरों के नीचे पड़े दबे पत्थरों द्वारा निर्देशित। क्या आपको लगता है कि आपके पिता को पता है कि हम बाली के लिए नहीं निकले थे भव्य भतीजे? मारिच ने इंद्रजीत से पूछा। और यह कि हम यहां ओंगुयाहरा में हैं? ओंगुयाहरा सिर्फ एक किला ही नहीं बल्कि एक बांध भी था, एक शानदार डिजाइन वाला। मूल रूप से एक बांध के रूप में कल्पना की गई थी। कुबेर, पिछले शासक, ने कई दशक पहले इसका निर्माण शुरू किया था। बांध के लिए स्पष्ट स्थान ओंगुयाहरा की पहाड़ियों के बीच का मोतिया बिंद था। महान महावेली गंगा के दोनों ओर ये पहाड़ियां स्वाभाविक रूप से नदी को संकुचित करती थीं, इस प्रकार जल प्रवाह को तेज करती थीं। मोतिया बिंद ने महावेली गंगा को आगे बढ़ाने के लिए इसे असंभव बना दिया, जिसमें नदी के बिस्तर से निकलने वाले बोल्डर और छोटे चट्टानी टापू थे। इसलिए जहाज स्वाभाविक रूप से शांत अंबन गंगा की ओर मुड़ जाते थे, जो कि महावेली गंगा में मिलने वाली सहायक नदी थी, जो मोतियाबिंद से नीचे की ओर थी। तब महावेली गंगा के मोतियाबिंद के पार बांध शिपिंग और उसके व्यापारिक लाभ को प्रभावित नहीं करेगा। परियोजना के समर्थकों ने भी कई लाभ देखे। बांध महावेली गंगा से बाढ़ के पानी को अंबन गंगा की ओर मोड़ देगा और इसके प्रवाह को बढ़ा देगा। इससे इस सहायक नदी तक समुद्री जहाजों के लिए भी मार्ग सुगम हो जाएगा। नदी से एक जल सेतु सिगिरिया की तेजी से बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त पेयजल भी प्रदान करेगा। एक बांध, इतने सारे फायदे, लेकिन निर्माण की लागत का क्या? महावेली गंगा को ओंगुयाहरा की पहाड़ियों के बीच से निचोड़ा गया था, इसलिए बांध उस विशाल नदी के पैमाने के लिए अपेक्षाकृत संकरा होगा जिसे रोका जा रहा था। और चट्टानी मोतियाबिंद का मतलब था कि नींव को पृथ्वी में बहुत गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं थी। इस सब ने निर्माण लागत को काफी कम कर दिया, जो लाभ के प्रति सचेत कुबेर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक था। ऐसा नहीं लगता, इंद्रजीत ने अपनी दादी के भाई से कहा। इंद्रजीत को यकीन नहीं था कि मारिच कितने साल के थे, लेकिन वह निश्चित रूप से 70 से अधिक के थे। हालांकि वह आदमी अभी भी एक योद्धा की तरह लड़ सकता था। लेकिन मैं किसी मूर्खतापूर्ण व्यापार विवाद के लिए बाली नहीं जा रहा हूं। हमें अयोध्या वासियों को हराने और लंका की रक्षा करने की जरूरत है, और यह सम्राट राम और उनकी सेना को वापस हटाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। सच है, मारिच सहमत हुए। मैं उन्हें सिगिरिया में सामना नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता कि हमारे नागरिकों में लंबे घेरेबंदी से गुजरने के लिए कितना धैर्य है। प्लेग ने कई को कमजोर कर दिया है। इंद्रजीत ने सिर हिलाया और किले की दीवार की रेलिंग के ऊपर
बांध के पीछे बनी कृत्रिम झील को देखा। रावण को ओंगुयाहरा में बांध के सैन्य महत्व का एहसास हो गया था। लगभग 30 साल पहले उसने कुबेर को हटा दिया और लंका के शासक के रूप में पदभार संभाला और तुरंत आदेश दिया कि निर्माणाधीन बांध को एक बांध के रूप में फिर से डिजाइन किया जाए। बांध का जलाशय महावेली गंगा के पानी को रोकेगा और एक विशाल कृत्रिम झील बनाएगा। डिजाइन में बदलाव ने परियोजना की लागत और जटिलता को काफी बढ़ा दिया, लेकिन रावण में धन या साहस की कमी नहीं थी। बांध की तुलना में बांध के लाभ और भी अधिक थे। विशाल कृत्रिम झील ने गढ़ रक्षकों को भारी मात्रा में पानी तक पहुंच प्रदान की। वे इसे अपनी इच्छानुसार कई दरवाजों के माध्यम से नीचे की नदी में छोड़ सकते थे। वे छोटे स्लुइसों के नाजुक नियंत्रण के माध्यम से कम मात्रा में पानी भी छोड़ सकते थे और नीचे की ओर नियंत्रण चरणों को भर सकते थे। इसने स्वाभाविक रूप से जहाजों की संख्या को विनियमित किया, जिन्हें अंबन गंगा को ऊपर जाने की अनुमति थी या रोका गया था। कृत्रिम जलाशय के विशाल भंडार को एक साथ खोलने और सभी स्लुइस गेट खोलने से सभी जहाज नीचे की ओर धकेल दिए जाएंगे, लेकिन बाढ़ का पानी महावेली गंगा के मुहाने पर स्थित गोकर्ण तक जाएगा और निश्चित रूप से शहर को तबाह कर देगा। इसलिए यह एक हताश उपाय था, एक परमाणु विकल्प, हल्के में ले जाने वाला नहीं। इस समय स्लुइस गेट पूरी तरह से बंद थे। कृत्रिम झील के पीछे दूर स्थित बाढ़ के पानी के स्पिलवे गेट भी बंद थे, जो जलाशय से पानी को एक नहर के माध्यम से ऊपर की ओर अंबन गंगा में जाने की अनुमति देते थे। इसने नियंत्रण चरणों में पानी के बहाव को कम कर दिया और जहाज के लिए ओंगुयाहरा की सीढ़ियों से आगे ऊपर जाने को असंभव बना दिया। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले सभी पक्ष रक्षात्मक स्थिति में होते हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन भतीजे, क्या आपको वाकई सुरंग के प्रवेश द्वार पर इतने सारे आदमियों को तैनात करने की जरूरत है? 100 ओंगुयाहरा रक्षा बलों के लिए यह एक महत्वपूर्ण संख्या थी। कुल मिलाकर यह केवल 500 सैनिकों की एक छोटी टीम थी। हर सैनिक अपने आप में एक किंवदंती था। ओंगुयाहरा बटालियन की कमान संभालना या उसका हिस्सा बनना भी लंकाई सैनिक के लिए सर्वोच्च सम्मानों में से एक था, क्योंकि वे सबसे कीमती चीज की रक्षा करते थे, उनकी राजधानी। और छोटा होने के कारण ओंगुयाहरा बटालियन एक विशेष क्लब बन गया। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह अक्सर वांछनीय नहीं होती। प्रेमियों के बीच जो सच है वह योद्धाओं के बीच भी सच है। अवांछनीयता को वांछनीयता से अलग करने के लिए महान ज्ञान और विवेक की आवश्यकता होती है, लेकिन प्यार और खून के प्यासेपन में कुछ ऐसा होता है जो बुद्धिमान होने की क्षमता को कम कर देता है। ऐसा कहने के बाद, ओंगुयाहरा बटालियन का आकार विशिष्टता की जरूरतों से तय नहीं किया गया था, बल्कि खुद गढ़ की सीमित क्षमता से तय किया गया था। ओंगुयाहरा किले को मूल रूप से एक बांध के रूप में डिजाइन किया गया था और बाद में इसे एक बांध में बदल दिया गया था। डिजाइन के अनुसार किले का दिल महावेली गंगा नदी की चौड़ाई में एक मजबूत दीवार थी। कोई इंजीनियर बांध की दीवार को बहुत मोटा नहीं बना सकता, एक के लिए लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी, लेकिन संरचनात्मक मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण थे। दीवार जितनी मोटी होगी, दीवार को स्थिर करने के लिए बांध के पैर को नीचे की ओर उतना ही दूर होना चाहिए, इससे जगह की कमी हो जाएगी। साथ ही बांध वाले जलाशय के पानी के लिए ऊपर की ओर से नीचे की ओर जाने वाले रास्ते को लंबा करना होगा, इससे अपनी अस्थिरता पैदा होगी। ओंगुयाहरा मुख्य रूप से एक बांध था और किला नहीं था, इसलिए रावण ने अगला सबसे अच्छा काम किया था और दीवार के दोनों सिरों पर छोटे गढ़ बनाए जो पहाड़ियों की ओर खोदे गए थे। पूर्वी दिशा की दीवार के भीतर बने गढ़ के गुप्त सुरंग के दरवाजे पर ही इंद्रजीत ने इन 100 सैनिकों को तैनात किया था। हां, जरूरी है, इंद्रजीत ने कहा, अयोध्यावासी उधर से ही आएंगे, मुझ पर भरोसा करो, मुझे पूरा यकीन है कि विभीषण चाचा ने हमें धोखा दिया है। रावण ने ओंगुयाहरा किले को एक गैंटे के आकार में बनवाया था। हथौड़े का डंडा वह बांध था जो महावेली गंगा नदी को रोकता था। बांध के दोनों सिरों पर हथेलियां और गोलियां, वे गढ़ थे जो पहाड़ियों के ऊपर बनाए गए थे, जिनमें बांध की दीवार की नींव को आगे बढ़ाया गया था। बांध की दीवार के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर स्थित दो गढ़ गोल आकार के थे, जिनमें दोहरी दीवारें
मीनारें और दो द्वार थे। भीतरी दीवार के घेरे के अंदर रहने की जगह, हथियार, रसोई, प्रशिक्षण मैदान, व्यायामशाला, चिकित्सा शिविर, शौचालय आदि थे, जो एक स्वस्थ और प्रभावी बटालियन के लिए जरूरी होते हैं। भीतरी किले के फाटकों से नीचे सीढ़ियां जाती थीं, जो बांध की दीवार पर बने जल निकास नियंत्रण द्वारों की ओर ले जाती थीं। गढ़ों के पास की पहाड़ियों को खड़ा कर दिया गया था और उनकी ढलानें सीधी थीं, लगभग सीधियों खड़ी दीवारों जैसी। हमलावर सेना को चट्टान जैसी खड़ी पहाड़ियों का सामना करना पड़ेगा और बांध की दीवार पर चढ़ाई करना असंभव था। ओंगुई आहरा अजेय था। 500 सैनिकों की एक सीमित बटालियन पर्याप्त थी। रावण के बेटे को पता था कि इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि अगर हमलावर गुप्त सुरंग से होकर गढ़ में घुसपैठ कर लें। बच्चे, मुझे यकीन नहीं है, मारीच ने कहा। मुझे पता है विभीषण कमजोर है, लेकिन मुझे लगता है कि वह सिर्फ गोकर्ण में आपकी दादी और बुआ की सुरक्षा में भागा है, क्योंकि अयोध्यावासी गैर लड़ाकू महिलाओं और बच्चों पर हमला नहीं करेंगे। मैं रावण से सहमत हूं, विभीषण एक कायर है, गद्दार नहीं। यह संभावना नहीं है कि वह हमें धोखा देगा। वह देगा, मेरा विश्वास करो। मैं आप पर भरोसा करता हूं, भले ही मैं आपसे इस पर असहमत हूं। मैंने यह साबित कर दिया कि आपको धूम्रकेशु को गुप्त प्रवेश द्वार दिखाने की अनुमति देकर, है ना? सेनापति धूम्रकेशु खुश नहीं थे, इंद्रजीत ने कहा। धूम्रकेशु को गुस्सा होने का पूरा हक है। वह भले ही एक आक्रामक युद्धवादी हो सकता है, लेकिन वह दशकों से हमारे प्रति वफादार रहा है और रावण को उस पर इतना भरोसा नहीं था कि उसे गुप्त सुरंग के बारे में बताए। लेकिन वह यहीं रहता है, मैं उसे इसका श्रेय देता हूं। वह अभी भी लंका के लिए युद्ध करने को तैयार है। यह युद्ध नहीं होगा बड़े चाचा, यह एक नरसंहार होगा। जब हम अयोध्या वासियों पर झपटेंगे जो उस सुरंग से ऊपर आ रहे हैं, जिसे वे हमें नष्ट करने का रास्ता समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप इसमें खो गए थे, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के अगले हिस्से को देखने के लिए